गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग कि चैट सेक्शन में कि वॉइस आ रही है या नहीं, या एंड स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ये दोनों चीज़ कंफर्म कर दीजिए एक बार। इसके अलावा एक चीज़, मतलब आप मैसेज करिए कि कौन कौन से ब्रांच से आप लोग हैं। 21 CS, 21 इलेक्ट्रिकल, 21 मैकेनिकल, 21 सिविल। कौन कौन लोग आप लोग ज्वाइन हैं, किस किस ब्रांच के, मैसेज में कंफर्म करिएगा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मोहम्मद अफजल इमाम, CSE 2019 बैच से। और आप लोग आज के सेशन में क्यों ज्वाइन किए, आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा कि दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दरभंगा, DC दरभंगा, कोटशेफ कॉलेज चैप्टर का पार्ट है। एज अ नेम, कोटशेफ DC दरभंगा चैप्टर, ठीक है। तो हम आप लोग को आज के सेशन में ये इंट्रोड्यूस करेंगे। आप सब लोग 21 बैच के हैं, एंड अभी के करेंट सेशन में 21 बैच से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है सेशन में। हम लोग इसलिए अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स को अलग अलग से ले रहे हैं। रीजन ये है कि जो पार्टिसिपेंट लिमिट है वो हम लोग का 100 है, एंड वो फिक्स है। हम लोग उससे ज़्यादा जाएंगे तो लोग ज्वाइन नहीं हो पाते, तो इसलिए हम लोग सेशंस को ब्रेक कर दिए हैं 2 से 3 सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब, आई होप सब अच्छे हो एंड पढ़ाई अच्छी चल रही हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कोटशेफ के बारे में। DC दरभंगा को कोटशेफ कॉलेज चैप्टर का ऑफिशियल रूप से पार्टिसिपेंट मिल गया था दिसंबर, लास्ट दिसंबर में, और स्टार्टिंग जनवरी में। और एंड हम लोग सभी फॉर्मेलिटीज़ जो भी कोटशेफ और DC के साथ करनी थी, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सब पूरी कर ली हैं। एंड अब हम लोग का कोटशेफ DC दरभंगा चैप्टर एक्टिवली वर्क करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें आप लोग को कोटशेफ DC दरभंगा चैप्टर में क्या होगा, कब स्टार्ट हुआ है, कैसे वर्क करेगा, ये सब चीज़ बताएंगे। आप लोग इसके मेंबर कैसे बन सकते हैं, मेंबर के अलावा आप लोग को और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब बताया जाएगा। एक बार फिर से रिकन्फर्म कर देना कोई स्क्रीन विजिबल है या नहीं, एंड सेकेंड थिंग, वॉइस आ रही है या नहीं चैट में। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू कन्फर्मेशन के लिए। कोटशेफ DC दरभंगा चैप्टर का ये लोगो है जो आपके सामने अभी स्क्रीन से पे विजिबल है। ये हमारा ऑफिशियल लोगो होगा कोटशेफ का, DC दरभंगा चैप्टर, कोटशेफ का और DC दरभंगा दोनों का लोगो के साथ कंबाइंड लोगो है।
ठीक है, तो अब इंट्रोड्यूस करते हैं डीसी दरभंगा जो कोटशेफ कॉलेज चैप्टर का पार्टिसिपेंट लास्ट दिसंबर 2021 लास्ट लास्ट वीक में और जनवरी 2020 के स्टार्टिंग वीक में सारा फॉर्मेलिटीज पूरा हुआ था। ठीक है, कोटशेफ चैप्टर में कोटशेफ के पास हम लोग कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, तो एज अ फैकल्टी एडवाइज़र हमारे प्रोफेसर धीरेन्द्र सर सीएसई डिपार्टमेंट के हैं, मे बी आप लोग जानते हों, पीपीएस सब्जेक्ट लेते होंगे मे बी आप लोगों का या किसी ब्रांच का लेंगे, एंड सेकंड थर्ड सेमेस्टर से आप लोग इन्हें बहुत बार मिलिएगा पढ़िएगा सीएसई डिपार्टमेंट वाले, तो वो हमारे कोटशेफ डीसी दरभंगा के फैकल्टी एडवाइज़र हैं धीरेन्द्र सर। सेकंड कोटशेफ कैंपस लीडर्स में हमारा कोटशेफ डीसी दरभंगा के प्रेसिडेंट अमन सर हैं, अमन सर सीएसई 2019 बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे जो हेड हैं वो सोनू सर हैं सीएसई डिपार्टमेंट 2019 बैच। इवेंट मैनेजमेंट का के लीड शशि निराला सर हैं, वो 2019 बैच के सीएसई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। एंड मैं आउटरीच एंड मीडिया लीड हूँ, मतलब सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड ये सब का मेरे मैं मोहम्मद अफजल इमाम 2019 बैच सीएसई डिपार्टमेंट से हूँ और हम पाँच लोग कोटशेफ को रिप्रेजेंटेटिव है एज अ चैप्टर लीडर। फैकल्टी एडवाइजर के रूप में प्रोफेसर धीरेन्द्र सर, प्रेसिडेंट के रूप में अमन सर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के रूप में सोनू सर, इवेंट मैनेजमेंट में शशि निराला सर एंड मीडिया में मैं। सेकंड, हमारा एम्बिशन क्या है? तो हमारा सबसे पहला एम्बिशन है कि कोडिंग कल्चर को इम्प्रूव किया जाए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोटशेफ, कोटशेफ पे क्या होता है? कोटशेफ पे बेसिकली कोडिंग होते हैं, कोडर्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया अलग अलग कॉलेज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं एक इवेंट में, खुद को एनालाइज करते हैं, खुद के स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। सो ओवरऑल हम लोग कोटशेफ डीसी दरभंगा के रूप में अगर देखें तो हमारा डीसी दरभंगा का जो कोडिंग कल्चर है उसको इम्प्रूव करना है एज फ्रॉम कोटशेफ कॉलेज चैप्टर। ठीक है, सेकेंड थिंग कोलैबोरेट लर्न एंड ग्रो टुगेदर। तो इसमें हम लोग आपको रिसोर्सेज देंगे, आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करेंगे, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को कम्पीट करेंगे इंट्रा कॉलेज कॉलेज लेवल पे, सो डैट हम लोग जज कर सके कि एनालाइज कर सके कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ अभी हम स्टैंड कर रहे और किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो कोडिंग एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, जैसे ICPC का नाम आप लोगों ने सुना, इस टाइप के जो जितने कोडिंग इवेंट्स होते हैं उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर सके अभी से, एक दूसरे को हेल्प कर सके प्रिपेयर करने में, एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके एक दूसरे के लिए, जहाँ पे कोई स्टक कर रहा है हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम हमारा मेन अभी के लिए एम्बिशन है, इससे ज़्यादा भी है अभी स्टार्टिंग में, हम लोग मिनिमम एम्बिशंस यही है कि हमें पढ़ाना है, पढ़ना है और ग्रो करना है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है? वैसे तो ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा भी सभी के लिए ओपन होता है, बट मिनिमम हम लोग एज अ दरभंगा के हैं तो हम लोग को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होना है, नो मैटर आपका ब्रांच क्या है, आपका बैच क्या है, कोटशेफ हमेशा ओपन रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। सो हम लोग करेंगे क्या, कोटशेफ डीसी दरभंगा चैप्टर जो है वो बेसिकली कुछ चीजों पर फोकस करेगा। पहला, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ बैच एंड ब्रांच को सिखाने, हर बच्चे को सिखाने का कोशिश रहेगा। ठीक है, किस किस वे से, सबसे पहले हम लोग YouTube लेक्चर्स को, जो यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके YouTube लेक्चर्स से हम लोग पढ़ के समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे हम लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं, डाउट है, तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली बेसिस पे या फिर 15 डेज बेसिस पे या मंथली बेसिस पे लाइव सेशंस करेंगे जूम पे, गूगल मीट पे, और डाउट सॉल्व करेंगे या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर्स उस सेशन ऑनलाइन सेशन के थ्रू हम लोग आपस में फ्रेंड्स के साथ या फिर सीनियर्स के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीकली एंड मंथली बेसिस पे होगा मेनली। इसके अलावा हम लोग अदर स्पीकर्स, मतलब जो दरभंगा के अलावा IITs, NITs या फिर कहीं अलग बिहार इंजीनियरिंग के या फिर कोई जॉब कर रहे हो स्टूडेंट, उन लोग को एज अ स्पीकर बुलाएंगे, मोटिवेशन के लिए नहीं सिर्फ,
अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन उनका एक्सपीरियंस, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये सब समझने के लिए, ठीक है। और इवन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, मे बी वो डायरेक्टली 1 घंटे या फिर वर्कशॉप टाइप, लाइक 1 घंटे का 7 दिन सेशन लेके हम लोग समझने का कोशिश, पढ़ने का, याद करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये तो पढ़ाने था, तो पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन डाउट सॉल्व, जहाँ पे हम लोग फंसते हैं वहाँ पे डाउट कैसे सॉल्व करें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसके लिए वीकली बेसिस पे मे बी सेशन हो, अपार्ट फ्रॉम दैट डेली बेसिस पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग डाउट्स को, आपके कोड को, कोड को आप लोग का एनालाइज करके आपको सही कोड जो गलत है उसको बताकर उसका सही कोड लिख के आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है तो उसके लिए भी हम लोग आपको असिस्ट करेंगे, समझने में हेल्प करेंगे। थर्ड, MCQ टेस्ट, कोडिंग टेस्ट। अभी सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में किसी कंपनी में जॉब करना है तो कोडिंग टेस्ट होना ही होना है, ठीक है। कोडिंग टेस्ट के अलावा लिंक्डइन जैसी कंपनीज, गूगल जैसी कंपनीज डायरेक्टली टॉपिक्स, जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, उस पे MCQ क्वेश्चन बेस पे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम लोग पढ़ तो लिए, डाउट भी सॉल्व कर लिए, अब इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे खुद को एनालाइज करेंगे। वीकली बेसिस पे क्या मतलब, जो पास्ट मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ेंगे उसी का टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट आधे घंटे का सैटरडे संडे को हम लोग देंगे, रिवाइज करेंगे उस टाइप से। एंड जो 1 मंथ 15 दिन में बहुत बड़े टॉपिक्स को पढ़े हैं, लाइक 1 चैप्टर 2 चैप्टर या 1 मॉड्यूल, उसका मंथली बेसिस पे टेस्ट लिया जाएगा। और उस टेस्ट का रिपोर्ट के थ्रू आप लोग सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि किसे किस पोर्शन में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन अच्छा कर रहा है, उसे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा भी और सब चीजें हैं, ठीक है। कोडशेफ डीसी दरभंगा का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब सिर्फ हम 4 लोग पूरे कोडशेफ चैप्टर को चलाएंगे या फिर और भी लोग रहेंगे? तो कोडशेफ डीसी दरभंगा 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। पहला पार्ट है कोडशेफ कॉलेज चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव, चैप्टर लीडर्स जिन्हें कहा जाता है। तो चैप्टर लीडर्स जिन्हें कहा जाता है वो कोडशेफ में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डीसी दरभंगा के। तो उसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ, हम लोग 5 लोग हैं, एज अ फैकल्टी एडवाइजर प्रोफेसर धीरेंद्र सर, अमन सर प्रेसिडेंट, सीपी लीड सोनू सर, इवन शशि सर एंड मीडिया आउटरीच के मैं हूँ, ठीक है। तो जो चैप्टर लीडर्स है ये कन्फर्म है, ये ईयरली बेसिस पे कोडशेफ के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग पास आउट होंगे या फिर हम लोग आप लोग को चार्ज देंगे, तो ऐसे ही कोई 5 लोग या 6 लोग चैप्टर लीडर्स बनेंगे, वो ऑफिशियल होंगे। सेकंड लोग कौन है, जैसे हम लोग तो हो गए, अब हमें मेंबर्स चाहिए होंगे ना ग्रुप में, क्लब चलाने के लिए, जो क्लब में आए, सीखे, टेस्ट दे, ये सब करें। तो उस वो हो गया मेंबर, जो भी कोडिंग सीखना चाहते हो या फिर कोडिंग के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डाउट सॉल्व करना चाहते हो अपना प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वो सब मेंबर्स कहलाएंगे। इन दोनों के अलावा इतने बड़े बैच को चलाना, कोडशेफ डीसी दरभंगा को चलाना, क्योंकि इसमें चार ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे तो चलाना मुश्किल होगा। तो इसके लिए कोडशेफ का टीम एक रहे बनेगा एट डीसी लेवल, उसको हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के बीच में से अपॉइंट होंगे, मे बी हर जैसे 2021 बैच का अगर बात करें तो मे बी 10 लोग 12 लोग अपॉइंट होंगे। कोई प्रोग्रामिंग को देखेगा, कोई मैनेजमेंट को देखेगा, कोई मीडिया आउटरीच को देखेगा, तो इस टाइप से एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर बनेगी। आप लोगों का अपॉइंटमेंट एज अ एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर अभी नहीं होगा, 10 से 12 दिन के बाद होगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अब आज कल से आप लोग अगले 10 दिन तक कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आप लोग का एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर में अपॉइंटमेंट होगा। हम लोग मे बी नेक्स्ट संडे को हम लोग एज अ नेक्स्ट संडे या फिर उसके बाद हम लोग आप लोग से फिर एक बार मीट करेंगे, या फिर किसी भी टाइप से आप लोगों का आइडिया जानेंगे कि आप लोग को किस टीम में आप लोग को वर्क करने का दिल है। उस आप लोग का इंटरेस्ट जानने के बाद आप लोग में से उसमें हम लोग किसी भी बेसिस पे, मे बी बेसिस तो मेन रहेगा कि आप लोग किस तरह से नेक्स्ट 10 डेज में परफॉर्म कर रहे हैं करेंगे, उस बेसिस पे हम लोग एज अ एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर अपॉइंट करेंगे। सेम अपॉइंटमेंट 2019 बैच से भी होगा, 20 बैच से भी होगा,
ठीक है, 21 बैच से भी होगा, मे बी 8 से 10 दिन बाद। तो ये है कोचशेफ डीसी दरभंगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर 3 लेवल। फर्स्ट चैप्टर लीडर जो ऑफिशियल कॉलेज चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव है, सेकंड एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर जो डीसी दरभंगा में एज अ टीम वर्क करेंगे, थर्ड मेंबर्स, ये ओपन होगा जो टीम बाकी सभी के लिए, मतलब इसमें नो मैटर 10 लोग हो मेंबर में या फिर 1,000 लोग हो, ये सबके लिए ओपन रहेगा। इवन आने वाले टाइम में डीसी दरभंगा अगर अच्छा सक्सेसफुल वर्क करता है तो बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहेंगे, और इवन इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन ऑल ओवर द इंडिया। सो मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, तो कोटशेफ में मैं जैसा बताया एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर है और दूसरा मेंबर है, तो जो एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर है उनका, उन्हें हम लोग एक पोजिशन अपॉइंट करके देंगे। लाइक उनका काम है प्रॉब्लम सेट करना, रिसोर्सेज शेयर करना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना, पोस्ट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना, या फिर डाउट सॉल्व करना, या फिर पढ़ाना, जिस भी टाइप का। तो आपका जो भी, आप जिस भी टीम में हो उसके बेसिस पे आपका जो वर्क है वो आपको पूरे दिल से करना है, रेगुलरली बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे, ठीक है। और डीसी दरभंगा कोटशेफ चैप्टर को कंट्रीब्यूट करना है। जो लोग एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर एंड मेंबर में बहुत अच्छा वर्क करेंगे उन्हें ही नेक्स्ट ईयर चैप्टर लीडर्स बनने का मौका मिलेगा, ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। सेकेंड, जो ओपन ओपन कोटशेफ डीसी दरभंगा चैप्टर जिन्हें मेंबर्स हम लोग का है, तो मेंबर में क्या है कि आप लोग को कोडिंग करना है कंसिस्टेंटली, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, दूसरे लोगों की मदद करना है, अगर आपको कुछ आता है कोडिंग क्वेश्चंस आ रहा है सॉल्व करने, कोई दूसरा नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसे क्वेश्चन समझाइए, उसे अप्रोच बताइए, सॉल्यूशन बताइए, और उसे वो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाइए, ये सब काम रहेगा। जो ऑनलाइन कोडिंग इवेंट्स होते हैं या दूसरे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, ट्राई करना कि हम कुछ कॉलेज के लिए करें, खुद के लिए करें, अपना स्किल्स को शोकेस करना, अपने टैलेंट को शोकेस करना, ठीक है। ये है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, कोटशेफ डीसी दरभंगा चैप्टर बनने के लिए तीन स्टेप्स का जरूरत है। पहला कि आपका अकाउंट किस पे होना चाहिए, कोटशेफ.com पे आपका अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, कोटशेफ डीसी दरभंगा चैप्टर का जो लिंक है उस लिंक पे आप लोग को जाके रजिस्टर करना है। थर्ड, हम लोग कोटशेफ, हम और आप लोग कैसे वर्क करेंगे, पूरा कोटशेफ डीसी दरभंगा कैसे वर्क करेगा, ये व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, ये किस ऐप पे चलेगा, डिस्कॉर्ड ऐप पे। डिस्कॉर्ड ऐप पे आपको टीम ज्वाइन करना है, आपका जो निकनेम होगा डिस्कॉर्ड ऐप पे वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि इसी फॉर्मेट में रखना है। जैसे मेरा नाम है अफजल इमाम, उसके बाद मेरा ईयर है 2019 और मेरा ब्रांच है CSE। कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, उनका नाम इसी टाइप से रहेगा। जैसे यहाँ पे आशुतोष है, आशुतोष, उसके बाद 2021 बैच, उसके बाद सिविल, इस टाइप से उसका निकनेम रहेगा सर्वर पे, ठीक है। थर्ड थिंग, हमारा जो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पोर्टल है डीसी दरभंगा कोटशेफ चैप्टर का, उसको फॉलो करना, उस पर भी रिसोर्सेज डेली बेसिस पे शेयर किए जाएंगे। सो अकाउंट सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट का हो सकता है कोटशेफ पे अकाउंट नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कोटशेफ पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, कोई कंफर्म करना मैसेज में। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोटशेफ.com ओपन करना है, ठीक है, कोटशेफ.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट के लिए, क्रिएट करने के लिए वेबसाइट ओपन हो गया, तो राइट साइड में न्यू यूजर लॉगिन होगा, मोबाइल में भी इसी टाइप से कहीं पे है न्यू यूजर, इस पे जाना है, फिर ये लॉगिन सेक्शन है, न्यू यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ लिखेगा क्रिएट योर कोटशेफ अकाउंट। तो आपको ये वाला से अकाउंट क्रिएट ना करके आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट करना है। जैसे आप अपना नाम लिख लीजिए मोहम्मद, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, MD अफजल इमाम, मेरा ईमेल आईडी हो गया अफजल इमाम 01553@gmail.com, ठीक है, ये दोनों हो गया। तो आपका यूजर नेम में @ नहीं होता है, यूजर नेम, जैसे मेरा, मैं कुछ भी यूजर नेम रख सकता हूँ, इमाम अफजल, ठीक है, या फिर myself अफजल, तो इस टाइप का आपको यूजर नेम रखना है, जिसमें ग्रीन टिक होगा वही होगा आपका यूजर नेम, अफजल 02, इस टाइप से, ठीक है। फिर आपको पासवर्ड रखना है, पासवर्ड में क्या क्या, 8 कैरेक्टर होना चाहिए टोट मिनिमम,
इसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे एट द रेट हैश, ये सब का आपका पासवर्ड इस टाइप का रहना चाहिए, जैसे अफजल एट द रेट हैश 567765 इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर, मेल फीमेल, आपका सिटी, सिटी आप दरभंगा डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, दरभंगा बिहार डाल दीजिए क्योंकि आपका कॉलेज सिटी तो दरभंगा है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कहाँ स्टडी करते हो, यहाँ पे आपको चूज करना है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑप्शन आया, इसको टिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन ईयर आपका कौन सा, आप कौन से ईयर में पास आउट हो गए, तो 2021 बैच 2025 में पास आउट होगा। आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, अभी कोई जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, जो प्रोग्रामिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किए वो सी या सी प्लस प्लस स्टार्ट चूज करिएगा, सी या फिर सी प्लस प्लस, फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोडशेफ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन यहाँ से यूजर नेम आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, ये आपका लॉगिन हो गया, लॉगिन होएगा तो आपका यहाँ पे नाम, यूजर नेम और ये इस टाइप का आपका पोर्टल आएगा। सेकेंड आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद ये अकाउंट क्रिएट करने का था, स्क्रीनशॉट अटैच है। सेकेंड आपको कोडशेफ डीसी दरभंगा का चैप्टर ज्वाइन करना था, सेकेंड वाला लिंक, तो इस टाइप से ये वाला लिंक खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड ये वाला लिंक ज्वाइन किए, इस पर क्या करना है, आपको ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है, आपका अकाउंट बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज नेम क्या है, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद नाम आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, आपको रोल नंबर एंटर करना है, रोल नंबर 19CS08 CS EEE ME, ये सब कैपिटल में लिखिएगा। आपने जो कोडशेफ के टाइम यूज क्रिएट करने टाइम यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम यहाँ पे डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है आपको जो भी आपका है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, आपको अपना ब्रांच डालना है, तो ब्रांच जैसे मेरा CSE है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पूरा लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखेंगे। ग्रेजुएशन ईयर मेरा आपका 2025 है तो 2025 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके बस सबमिट पे क्लिक कर देना है, आप मेंबर बन जाओगे, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है, ये आपका हो गया कोच मेंबर बनने का, ठीक। इसके बाद आपका डिस्कॉर्ड ऐप है, तो डिस्कॉर्ड ऐप पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो अब चलते हैं डिस्कॉर्ड ऐप पे, तो discord.com आपको मैं डायरेक्टली लिंक भेज दे रहा हूँ, भेज दूंगा, तो discord.com का अकाउंट क्रिएट, डिस्कॉर्ड का ये मिनट discord.com, ये discord.com वेबसाइट है, इस पे क्या करना है आपको, जिसका अकाउंट है उन्हें तो लॉगिन करना है, जिनका अकाउंट नहीं है वो रजिस्टर करेंगे। लॉगिन पे क्लिक किए, ये वेबसाइट खुला, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे न्यू अकाउंट बनाने के लिए, ईमेल आईडी अपना डालिए, ठीक है, आप अपना यूजर नेम डालिए, यूजर नेम बिना एट द रेट से पहले तक का यूजर नेम होता है, पासवर्ड डालिए, आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए इस टाइप से, ठीक है, और फिर क्या करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। शशि अनम्यूट करना अपने आप को, हेलो, हेलो, हम तुमको होस्ट बना रहे हैं, ठीक है, मेरे को अनम्यूट कर देना इसी टाइप से, मतलब मेरा नाम सेलेक्ट करके। मेरे को, हाँ ठीक है, एक चीज
तुम अपने आप को अब अनम्यूट कर सकते हो, मीन मुझे है, ठीक है, तुम होस्ट हो, अब कंट्रोल तुम्हारे पास। सभी लोग को एक चीज बता रहे हैं, ठीक है, मीटिंग टाइम इसमें फ्री वर्जन है तो हम लोग को लिमिट होता है, तो मीटिंग अगर एंड हो जाएगा तो फिर से लिंक भेजेंगे, रीज्वाइन कर लेना, एक लिंक फिर से भेज देंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये सब डेट ऑफ बर्थ मंथ सेलेक्ट करके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जीमेल पे जाएगा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपका ये जो discord.com का जो लिंक है, ठीक है, इस लिंक को ओपन करना है। आप जब इस लिंक को डायरेक्टली ओपन करिएगा तो आपका स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप से दिखाएगा। जैसे अभी हम साइन इन नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को अकाउंट क्रिएट करने बोल रहा है, ठीक है। आप अपना अकाउंट डायरेक्टली ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मेरा अकाउंट क्रिएट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब जाके लॉग इन करेंगे, ये आई एम ह्यूमन पे करना है, शिप देखो, जैसे इस टाइप से इनवाइट हुआ, मैं ऑलरेडी चैप्टर में हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा तुम्हारा, और ये सब राइट में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ये सब हम लोग मैनुअली सैटरडे से पहले हम लोग तुम लोगों को सारा परमिशन दे देंगे, जिस जिस बैच में तुम लोग हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे तुम लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये अनाउंसमेंट सेक्शन तुम लोग को पूरा विजिबल होगा, प्रोग्रामिंग एंड डीएसए पूरा विजिबल होगा, रिसोर्सेज पूरा विजिबल होगा, उसके बाद तुम्हें जनरल डिस्कशन विजिबल होगा, तुम 2021 बैच के हो, जिस ब्रांच में हो सिर्फ वही तुम्हें विजिबल होगा, बाकी कुछ नहीं विजिबल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारा कोडशेफ चैप्टर बनेगा। इसी में हम लोग रिसोर्सेज सेक्शन में रिसोर्स मतलब जो पढ़ने का है वो शेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग एंड डीएसए जैसे सी एंड सीपीपी जावा पाइथन, जिस भी लैंग्वेज में आप कर रिकॉर्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, कॉन्सेप्ट जो पूछना हो वो सब इस चैनल में शेयर करिएगा, ठीक है। ये था, इसके अलावा ये डिस्कॉर्ड क्रिएट करने का है, आपको डिस्कॉर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, एक चीज डिस्कॉर्ड में बताना भूल, डिस्कॉर्ड में निकनेम कैसे चेंज करते हैं ये भी बता देते हैं। जैसे डिस्कॉर्ड फिर से ओपन किए, ठीक है, मैं जो निकनेम बताया ना कि आपका निकनेम क्या होगा, ने आपका नेम, उसके बाद आपका ईयर, उसके बाद आपका ब्रांच, तो आप अपने नाम पे यहाँ क्लिक करोगे, ठीक, आपके नाम पे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन कलर का बटन आएगा एडिट प्रोफाइल का, कुछ भी, तो एडिट सर्वर प्रोफाइल या यूजर प्रोफाइल, आपको चूज करना है सर्वर प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे अपना निकनेम इस टाइप से रखना है, अफजल, मेरा ईयर कौन सा है, 2019 CSE, तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही मेरे को बाकी लोगों को विजिबल होगा। अगर आपका ये विजिबल होगा तभी, जैसे देखिए अब एडिट किए, यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है, अब देखिए मेरा नाम CS हो गया, तो मेरा नाम क्या रहना चाहिए, CSE किए, सेव चेंजेस किए, मेरा नाम क्या हो गया, अफजल 2019 CSE, सभी लोग का वैसे है, आप लोग वैसे रखिएगा तभी DCE कोडशेफ डिस्कॉर्ड के आप लोग पार्टिसिपेंट रहिएगा, नहीं तो आप लोग को कोई भी परमिशन नहीं मिलेगा। ये था डिस्कॉर्ड का, अब आते हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। इंस्टाग्राम का ये पेज है, आपको इंस्टाग्राम लाइक फॉलो करना है, लिंक्डइन फॉलो करना है, ठीक है, सारा लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ये ईमेल आईडी है कोडशेफ डीसी दरभंगा का। इसके अलावा अभी करंट सिनेरियो में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स कोडशेफ पे पार्टिसिपेंट हैं रेगुलर बेसिस पे, तो देख सकते हैं आप कोडशेफ पे, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडशेफ पे कोडिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हार्ड लगता था, कुछ लोग आए दूसरे दोस्तों को बताएं, उन्हें हेल्प किए सॉल्व करने में, उस तरह से इस पे स्टूडेंट रेट ग्रोथ होते गया, कुछ में 3 स्टार आपको दिख रहा है ब्लू आइकन, वो लोग अच्छे कोडर्स है, दरभंगा में हाईएस्ट अभी 3 स्टार है, उसके बाद 2 स्टार है, वो लोग अभी सीख रहे हैं, और वो लोग अच्छा अच्छा 1 स्टार सबसे पहले होता है 1 स्टार, उसके बाद
आप कोडिंग अच्छा करते जाइएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइएगा, तो आप 2 स्टार बनिएगा, फिर 3 स्टार बनिएगा, फिर 4 स्टार, इस टाइप से 7 तक जाना है। इसके अलावा कोड फोर्सेस पे देखिए, कोडशेफ पे मोर देन 50 to 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कोड फोर्सेस दूसरा प्लेटफॉर्म है कोडिंग का, उसपे सिर्फ 6 स्टूडेंट है हमारे कॉलेज से। क्यों? क्योंकि लोग को हार्ड फील हो रहा है, तो ये लोग जो कोडशेफ पे जो फोर्सेस पे जो कर रहे हैं वो दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि तुम भी आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है पूछो, हम बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये सब जो कोडशेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स पे जो जितने क्वेश्चन हैं, वो सब क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। गूगल, फेसबुक के इंटरव्यूज में डायरेक्टली लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए गीक्स फॉर गीक्स में हमारे जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने 200+ क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वालिटी होते हैं, गीक्स फॉर गीक्स का आप नाम सुने होंगे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स 50-60 में क्वेश्चन में सॉल्व किए, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स 30-10 क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ अभी स्टार्ट किए। तो इस टाइप से जो लोग यहाँ गीक्स फॉर गीक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो अच्छे कोडर्स हैं, वो कोडशेफ डीसी दरभंगा चैप्टर के थ्रू बाकी लोग को भी गीक्स फॉर गीक्स समझने में, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में, उसे बताने में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, डीसी में कोडशेफ डीसी दरभंगा चैप्टर जिस टाइप से, एक और कोडिंग चैप्टर है कॉफी एंड कोड, उसमें भी मैं था इंट्रोडक्शन में और भी लोग थे, मुस्कान मैम ली थी सेशन। ठीक है, तो कॉफी एंड कोड और कोडशेफ में बस 2 डिफरेंस है। पहला कि कॉफी एंड कोड में क्लोज कोडिंग ग्रुप है, उसमें आपको टेस्ट देने के बाद एंट्री मिलेगा। कोडशेफ डीसी दरभंगा सबके लिए ओपन है, जिसे सीखना है वो डायरेक्टली आए, सीखे, टेस्ट कोडशेफ का भी टेस्ट दे, सीएनसी का भी टेस्ट दे। सीएनसी में अगर टॉप परफॉर्मर है तो वो सीएनसी का भी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, सीएनसी में रहने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टॉप एंड कंसिस्टेंट कोडर्स, आप हमेशा रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली कोडिंग करते होने चाहिए। कोडशेफ डीसी में कोई भी आ सकता है, एकदम न्यू, जिसे अभी नहीं भी आता है, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, इलेक्ट्रिकल, नो मैटर, आ सकता है, सीख सकता है, कोड कर सकता है, डाउट पूछ सकता है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज सीएनसी के थ्रू आप लोगों को बोला गया था शेयर करने, रिसोर्सेज कोडशेफ के थ्रू जो शेयर होगा वो दोनों सेम रहेगा। सारा रिसोर्सेज कोडशेफ के थ्रू शेयर होगा, आपका कोडशेफ के थ्रू रिसोर्सेज शेयर करना, पढ़ने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो सैटरडे से एक्टिवली वर्क करेगा डिस्कॉर्ड पे। तो डिस्कॉर्ड सब ज्वाइन कर लेना, आपका जो जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए उसको पढ़ना, सॉल्व करना, क्वेश्चंस जो भेजे जाएंगे वो सॉल्व करना, नहीं बनता है क्वेश्चंस पूछना, उसी में जो प्रोग्राम मैं दिखाया जिसमें चैनल्स में, उसमें क्वेश्चंस पूछना, तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। और जब सीएनसी का टेस्ट होगा 15 दिन बाद, तो सीएनसी के टेस्ट में अपियर होना, उसमें अच्छा परफॉर्म करना, सो डैट तुम कोडशेफ के अलावा सीएनसी के भी पार्ट बन सको और वहां के लोग के साथ भी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब शशि, अमन, और वैसे मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाला है, तो लिंक फिर से भेजते हैं, मे बी 10 मिनट और लगेगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना सब कोई। शशि, एक बार फिर से लिंक भेजते हैं, 10 मिनट लगेगा, मे बी 10 से 15 मिनट फिर से लोग सब ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि बस 1 मिनट से कम है। लिंक भेजते हैं फिर से।